सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर वीकली लाइव करंट अफेयर्स क्विज शो, जहां पर हम इसी तरीके से आपके साथ पूरे हफ्ते के टॉप 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चाहे देखिए किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मैं बात करूँ बैंकिंग, SSC, रेलवे एग्जाम की, तो आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया डेली हम मंडे टू फ्राइडे तो करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो इसलिए आप कोशिश करा करें डेली 10 से 12 मिनट का ही हमारा ये सेशन रहता है, इसे अटेंड करा करें। और अब आपको ये भी बताना है इन द एंड, मेरे को बता देना कि आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, व्हिच वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैज बिकम द फर्स्ट वन टू सीक इमरजेंसी यूज नोड इन इंडिया। तो भारत के अंदर इमरजेंसी मतलब जल्द से जल्द किस वैक्सीन मैन्युफैक्चरर ने परमिशन मांगी है कि वैक्सीन की डोजेस को प्रोड्यूस किया जाए, क्या वो भारत बायोटेक है, एस्ट्राजेनेका है, मॉडर्ना है या फिफ्सर है, तो आपको बताना है, कमेंट करके आप बताते रहना। सो विच वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैज बिकम द फर्स्ट वन टू सीक इमरजेंसी यूज नोड इन इंडिया। भारत के अंदर जल्द से जल्द वैक्सीन को यूज करने के लिए उसके क्योंकि आपको देखिए अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है, वहां की जो हेल्थ एजेंसी होती है जिसके पास इस तरीके का जो बड़ी बॉडी होती है जो इस तरीके के अप्रूवल देती है, ठीक है। तो किस कंपनी किस वैक्सीन मैन्युफैक्चरर ने इसकी परमिशन मांगी है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन यानी फिफ्सर। ये देखिए जो यूके है, यूके के अंदर भी इसे देखिए सबसे पहले यूज किया जा रहा है इसी वैक्सीन को, ये काफी इसके रिजल्ट्स काफी सक्सेसफुल पाए गए थे जब इसे देखिए इसे जब ये ट्रायल फेज पर थी ये वैक्सीन, तो ठीक है। इसके अलावा कनाडा ने भी इसको अप्रूव कर दिया इस वैक्सीन को, तो अब इस वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनी ने इंडिया के अंदर भी इसके यूज की परमिशन मांगी है, इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन यानी फिफ्सर, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू आपकी स्क्रीन पर है, विच टू नेशंस रिसेंटली साइंड देयर फर्स्ट एवर प्रेफरेंशियल ट्रेड डील। अब चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि किन दो नेशंस ने पहली बार प्रेफरेंशियल ट्रेड डील को साइन किया है, ठीक है। क्या वो नेपाल भूटान है, इंडिया श्रीलंका है, बांग्लादेश भूटान है या बांग्लादेश चाइना है, तो किन दो नेशंस ने हाल ही में पहली बार प्रेफरेंशियल ट्रेड डील साइन किया, तो इसका देखिए जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है यानी बांग्लादेश और भूटान ने जो है इस ट्रेड डील को साइन किया है। बेसिकली ट्रेड को और एक इन दोनों कंट्रीज ने आपस में बढ़ावा देने के लिए, इंप्रूव करने के लिए ये जो है प्रेफरेंशियल ट्रेड डील साइन की है बांग्लादेश और भूटान ने, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर ले, जिनका भी देखिए आपको आंसर नहीं पता आप नोट डाउन करते चले। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये देखिए काफी ज्यादा न्यूज में भी रहा है, व्हाट इज द न्यू हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट जॉइंटली अनाउंस्ड बाय नेपाल एंड चाइना। तो हाल ही में नेपाल और चाइना ने जॉइंटली इसे अनाउंस किया है माउंट एवरेस्ट की हाइट, तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। इससे पहले देखिए जो इंडिया ने हाइट मेजर की थी काफी साल पहले की, तो उस टाइम जो माउंट एवरेस्ट की हाइट पाई गई थी वो थी 8848 मीटर, लेकिन अब इसमें कुछ चेंज पाया गया जब इसकी दोबारा से हाइट मेजर की गई, तो चार ऑप्शंस है 8848.86, 0.36, 0.58 या 0.62 मीटर, ठीक है। तो रिवाइज हाइट जब अभी मेजर की गई लगभग एक साल लग गया, नेपाल और चाइना ने जॉइंटली इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था बेसिकली माउंट एवरेस्ट की हाइट को कैलकुलेट करने के लिए। सो इस बार जो देखिए माउंट एवरेस्ट की हाइट ऑब्जर्व की गई वो है 8848.86 मीटर, यानी 0.86 मीटर का डिफरेंस, यानी ज्यादा हाइट पाई गई माउंट एवरेस्ट की, तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। और ये इसलिए भी देखिए दोबारा से हाइट मेजर की गई थी, इसका मेन रीजन है कि 2015 में नेपाल में काफी ज्यादा जो है भूकंप आया था, एक अर्थक्वेक आया था, ठीक है। तो उसके बाद जो है एक उम्मीद थी कि कुछ हाइट में जरूर चेंज आया होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज रिक्टर स्केल पे भूकंप था वो, ठीक है। सो दोबारा जब अब हाइट मेजर की गई तो ये पाई गई 8848.86 मीटर, यानी 0.86 मीटर का डिफरेंस ऑब्जर्व किया गया। इससे पहले देखिए इंडिया ने हाइट मेजर की थी, लेकिन इस बार नेपाल ने चाइना के साथ मिलकर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। आगे बात करते हैं, व्हेन इज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ऑब्जर्व, 8 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं, 9 दिसंबर, 10th या 11th, इसका आपको आंसर बताना है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। इस तरीके के डेज पर बेस्ड आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यानी 9 दिसंबर को जो है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे हर साल ऑब्जर्व करते हैं। किस तरीके से देखिए करप्शन को रोका जाए, एक अवेयरनेस फैलाई जाती है, इसलिए आपको बता दें कि हर जितने भी ऐसी चीजें होती है सोशल इवेंट्स होते हैं, इनका कोई ना कोई डे रखा गया है ताकि उस दिन बड़े लेवल पे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और एक तरीके से अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, तो इसलिए हम एंटी करप्शन डे जो है इंटरनेशनली ऑब्जर्व करते हैं 9 दिसंबर को। आगे बात करें तो विच नेशन विल होस्ट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीट इन 2021। देखिए वैसे आप हमेशा ध्यान रखें कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीट है
ये वैसे तो देखिए रेगुलरली हर साल ये एनुअली ये मीटिंग होती है, डेवोस सिटी है स्विट्जरलैंड के अंदर, वहां पे हर साल जब से देखिए इसका इंसेप्शन हुआ है, जब से स्टार्ट हुई, दूसरी बार ये ओकेजन है जब ये डेवोस स्विट्जरलैंड के अंदर ना होके कहीं बाहर जो है इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस बार मेन रीजन आपको पता ही है, COVID-19 को ध्यान में रखते हो इस बार जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एनुअल मीटिंग है इसे स्विट्जरलैंड में ना होस्ट करके आपको बता रहे किस कंट्री में इसे होस्ट किया जा रहा है, क्या जापान है, साउथ कोरिया है, सिंगापुर है या स्विट्जरलैंड है। इन चारों ही कंट्रीज में आप देखेंगे जो कोविड की सिचुएशन है काफी ज्यादा कंट्रोल में है, ठीक है। बट स्टिल आपको आंसर बताना है इसका। एक तो देखिए जितने भी बड़े बिजनेस लीडर्स होते हैं और पॉलिटिकल लीडर्स, उनकी ये मीटिंग होती है एनुअली, ठीक है। वैसे मैंने बताया हर साल ये स्विट्जरलैंड के अंदर होते हैं, डेवोस सिटी के अंदर, लेकिन इस बार इसे कोविड को ध्यान में रखते हुए सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, सिंगापुर में शिफ्ट किया गया। तो सिंगापुर में इस बार की ये मीटिंग होने जा रही है, ठीक है, ये अराउंड मार्च मंथ में होगी, तो ठीक है इसे आप नोट डाउन कर लें। और पहली बार है ये एशिया के अंदर, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर किसी सिटी के अंदर या स्टेट कंट्री के अंदर इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है। चलिए इसे नोट डाउन कर लें, आगे बात करते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सीईओ ऑफ द WHO फाउंडेशन। तो WHO फाउंडेशन के पहले सीईओ इनमें से किने अपॉइंट किया गया, क्या वो रमन गंगा खेड़कर है, अनिल सोनी है, बलराम भार्गव है या रणदीप गुलेरिया है, ठीक है। तो आपको देखिए बता दूं जो रणदीप गुलेरिया वो एट प्रेजेंट एम्स के चीफ है, ठीक है, जो एम्स है। बलराम भार्गव जो है वो आईसीएमआर को हेड कर रहे हैं। रमन गंगा खेड़कर जो है आईसीएमआर के प्रीवियस चीफ थे, वो हाल ही में भी रिटायर हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है, यानी अनिल सोनी। इनका लगभग 2 डेकेड, 20 साल से भी ज्यादा ये हेल्थ फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, और अभी ने पहले सीईओ के तौर पे WHO फाउंडेशन के अंदर अपॉइंट किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है अनिल सोनी। इसके बारे में आपको बाकी ऑप्शन बता ही दिए, रणदीप गुलेरिया एट प्रेजेंट एम्स के डायरेक्टर है, चीफ है, बलराम भार्गव आईसीएमआर को लीड कर रहे हैं, और रमन गंगा खेड़कर जो है हाल ही में आईसीएमआर से ही रिटायर हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, सो इंडिया वाज रैंक्ड एट विच पोजीशन ऑन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 जो हाल ही में भी रिलीज हुआ है, उसमें भारत की क्या पोजीशन रही है, क्या 6th रही है, 8th रही है, 10th या 12th। तो इसका देखिए जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है, यानी इस बार भारत की जो पोजीशन है वो 10th है इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। और मैंने आपको बताया देखिए इंडिया लगातार सोलर एनर्जी पर काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, कि किस तरीके से कार्बन एमिशंस को रिड्यूस किया जाए, बट स्टिल देखिए देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, व्हाट वाज इंडियाज मोस्ट सर्च्ड वर्ड ऑन गूगल इन 2020। तो 2020 में इंडिया में जो गूगल की रैंकिंग आई है, सबसे ज्यादा कौन सा सर्च किया जाना वाला वर्ड था, क्या कोरोना वायरस था, यूएस इलेक्शन के रिजल्ट थे, बिहार इलेक्शन के रिजल्ट थे, या आईपीएल था। तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, यानी इंडियन प्रीमियर लीग। तो बहुत सारे एस्पायरेंट्स क्या करेंगे, गलती से कोरोना वायरस को मार्क कर देंगे, क्योंकि आपको पता है 2020 ईयर में सबसे ज्यादा चीज जो है, अगर हम वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड की रैंकिंग में, तो देखिए कोरोना वायरस है जो सबसे ज्यादा सर्च किया गया, लेकिन इंडिया के अंदर हम पर्टिकुलरली बात करें, अकॉर्डिंग टू गूगल रिजल्ट जो सबसे ज्यादा वर्ड सर्च किया गया 2020 के अंदर, वो आईपीएल किया गया। इसके अलावा यूएस इलेक्शन रिजल्ट्स, बिहार इलेक्शन रिजल्ट्स आपको ऑप्शंस में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आईपीएल सर्च किया गया, और उसके बाद कोरोना वायरस। अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो सबसे ज्यादा कोरोना वायरस, ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लें। आगे बात करते हैं, किस विकेट कीपर बैट्समैन ने हाल ही में रिटायरमेंट अनाउंस किया फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, क्या वो पार्थिव पटेल है, MS धोनी है, दिनेश कार्तिक है, या रिद्धिमान सहाय। आपको कमेंट करके बताना है विच विकेट कीपर बैट्समैन रिसेंटली अनाउंसड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, यानी पार्थिव पटेल। MS धोनी ने देखिए ऑलरेडी रिटायरमेंट ले लिया, और दिनेश कार्तिक और रिद्धिमान सहाय अभी भी खेलते हैं इंडिया के लिए। इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। आगे बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2020, क्या ये अमिताभ घोष को मिला है, राजकमल झा, राणा दास गुप्ता, या तिशानी दोषी। तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है, इसे आप नोट डाउन कर ले। राजकमल झा को जो है इस बार का रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज मिला है 2020 में, ठीक है। इससे पिछले साल 2019 में मिला था राणा दास गुप्ता को, तो इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, RBI ने हाल ही में किस बैंक के लाइसेंस को कैंसिल किया है। मैंने आपको साथ देखिए करंट अफेयर्स के शो में से डिस्कस भी किया था, हाल ही में RBI ने किस बैंक के लाइसेंस को कैंसिल किया है, क्या वो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है, लक्ष्मी विलास बैंक है, कराड़ जनता सहकारी बैंक है, या कोलकाता महिला कोऑपरेटिव बैंक है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन, यानी कराड़ जनता सहकारी बैंक के लाइसेंस को RBI ने हाल ही में कैंसिल कर दिया है। और DICGC जो है 5 लाख तक का जो इंश्योरेंस कवर करता है, तो 99% के अराउंड डिपॉजिटर्स को तो देखिए अपना पूरा पैसा वापस मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन 1% फिर भी है जिनका 5 लाख से भी ज्यादा पैसा था, तो उनको ये लॉस सफर करना पड़ेगा।
और 99% तक के जो डिपॉजिटर्स उनको अपना पूरा पैसा रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। और लगातार मैंने आपको बताया बैंकिंग सेक्टर में इस तरीके की चीजें आजकल सामने देखने को मिल रही है, जैसे पीएमसी बैंक जो सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन है उसके अंदर एक फ्रॉड ऑब्जर्व किया गया था कुछ टाइम पहले। लक्ष्मी विलास बैंक का तो देखिए मर्जी करना पड़ा था अभी हाल ही में, इसका मर्जर हुआ एक बैंक के साथ। और कोलकाता महिला कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर भी काफी रिस्ट्रिक्शंस अभी हाल ही में आरबीआई ने लगाई थी, ठीक है। येस बैंक का क्राइसिस भी आप सभी को पता होगा। तो इस तरीके से बैंकिंग सेक्टर में काफी ज्यादा इस तरीके के अभी केसेस ऑब्जर्व किए गए हैं, और इसीलिए जो है जो क्राड जनता सहकारी बैंक का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट आरबीआई को नहीं दिख रहा था, और लगातार इनके प्रॉफिट्स डिक्रीज हो रहे थे या लॉसेज अगर हम कहें वो बढ़ रहे थे, तो इसलिए इसके लाइसेंस को आरबीआई ने कैंसिल कर दिया। आगे बात करते हैं, विच नेशन हैज सक्सेसफुली एक्टिवेटेड इट्स न्यूक्लियर पावर्ड आर्टिफिशियल सन। तो किस देश ने सक्सेसफुली एक्टिवेट कर लिया न्यूक्लियर पावर्ड जो उसकी एनर्जी से आर्टिफिशियल सन को, क्या वो चाइना है, यूएस है, रशिया है या इंडिया है? तो इसका देखिए करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, यानी चाइना ने भी हाल ही में न्यूक्लियर पावर्ड आर्टिफिशियल सन को सक्सेसफुली एक्टिवेट किया है, ठीक है। सो ये उनकी काफी अच्छी अचीवमेंट है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन यानी चाइना। नेक्स्ट बात करें तो व्हेन इज ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व, ह्यूमन राइट्स डे मानव अधिकार की जब हम बात करते हैं तो हम इसका इंटरनेशनली हम इसके दिन को किस दिन ऑब्जर्व करते हैं, क्या 9th ऑफ दिसंबर, 10th, 11th या 12th? इसलिए देखिए काफी सारे इंटरनेशनल बॉडीज भी बनाई गई है जो ह्यूमन राइट्स को ऑब्जर्व करती है, बेसिकली जहां पर बिल्कुल वायलेशन दिखता है तो वो देखिए उसी अकॉर्डिंग स्टेप्स भी लेते हैं। उसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यानी 10th ऑफ दिसंबर को हम ह्यूमन राइट्स डे जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, विच यूनियन टेरिटरी हैज बिकम द फर्स्ट वन टू बिकम 100% ऑर्गेनिक। 100% ऑर्गेनिक मतलब जो वहां पे फार्मिंग होती है वो पूरे हर वहां पे किसी तरीके के जो पेस्टिसाइड्स वगैरह है उनका यूज नहीं होता, 100% ऑर्गेनिक तरीके से किस यूनियन टेरिटरी में आज के टाइम पे जो एग्रीकल्चर है, खेती है जो वो हो रही है, क्या वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, पुडुचेरी, चंडीगढ़ या लक्षद्वीप? तो इसका जो देखिए करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन, यानी लक्षद्वीप के अंदर, लक्षद्वीप जो है वो पहली यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं जिसमें पूरे 100% ऑर्गेनिक तरीके से जो है वहां पे फार्मिंग की जा रही है। इससे पहले अगर बात करें तो सिक्किम स्टेट है जहां पे 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, लेकिन अगर यूटी की बात करें यूनियन टेरिटरी के अंदर ये लक्षद्वीप पहली ऐसी यूटी बनी है। तो इसको आप नोट डाउन कर लें। और आखिरी क्वेश्चन आज का हमारा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द टॉप ट्रेंडिंग पर्सनैलिटी इन इंडिया इन द ईयर 2020? तो इससे पहले आपको देखिए मैंने जो सबसे ज्यादा गूगल में सर्च किया गया वर्ड 2020 का बताया था, जो कि था आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, दूसरे नंबर पे कोविड-19। और अगर बात करें सबसे ज्यादा टॉप पे ट्रेंड करने वाली पर्सनैलिटी इनमें से कौन सी थी 2020 के अंदर, क्या वो नरेंद्र मोदी थे, अमिताभ बच्चन, जो बाइडन या विराट कोहली? तो इसका देखिए करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, यानी जो बाइडन सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाली या टॉप ट्रेंडिंग पर्सनैलिटी थी 2020 के अंदर। और इसलिए क्योंकि यहाँ पे अभी इलेक्शन जीत गए हैं जो अभी हाल ही में 2020 में यूएस का इलेक्शन हुआ, तो इसलिए जो है काफी ज्यादा सर्च किए गए और टॉप ट्रेंडिंग पर्सनैलिटी में इनका नाम आया है, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कर लें। और ये थे आज के हमारे टॉप 15 क्वेश्चंस जो कि पिछले पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स पर बेस्ड थे। तो कैसा लगा ये सेशन जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आपके आंसर्स कितने करेक्ट रहे ये भी आपको मेरे को बताना है। इसके अलावा और वीडियोस के लिए जो है आप देख सकते हैं क्वांट रीजनिंग इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की भी यहाँ पर। और ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना फ्रेंड्स, थैंक्स। We'll be right back.